say the IG, Parish. Of course, Parish. हेलो दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है गणेशाई वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो है, आज हम पढ़ेंगे 12th फिजिक्स के अंदर अनुगमन वेग। जी हाँ दोस्तों, अनुगमन वेग, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, क्या बोलते हैं? ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं। ठीक है, और इस टॉपिक को कवर करने के बाद हम विद्युत धारा और अनुगमन जो वेग होता है, इसमें संबंध भी स्थापित करेंगे। लेकिन सबसे पहले जानेंगे कि अनुगमन जो वेग है वो होता क्या है। देखो, नाम से ही समझ में आ रहा है, अनुगमन वेग। ये होता तो वेग ही है, होता तो क्या है, ये वेग ही है, लेकिन इसमें ये अनुगमन लग गया है। तो ये कहाँ, ये क्या चीज़ है, इसको हमें समझना जरूरी है। तो आइए दोस्तों, इसको समझते हैं। तो दोस्तों, मेरे पास यहाँ पर एक कोई चालक है, मेरे पास यहाँ पर एक कोई चालक है। यहाँ पर आप फिलहाल में देखिए, मेरे पास यहाँ पर एक चालक है, और ये जो चालक है, अब चालक है तो चालक में इलेक्ट्रॉन होंगे, ये तो पॉसिबल है, क्योंकि जो चालक होता है उस चालक में धारा का जो प्रवाह होता है वो इलेक्ट्रॉन के कारण ही होता है। तो इस चाल आगे, यदि ये चालक है तो इसमें इलेक्ट्रॉन होना बहुत ज़रूरी है, इलेक्ट्रॉन होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन इसमें होंगे ही अगर ये चालक है। तो मैं यहाँ पर मान ले रहा हूँ ये क्या है, एक चालक है। क्या है? चालक है। अब ये चालक है तो इसमें इलेक्ट्रॉन होंगे, क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, और ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं किसी भी चालक में, ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये मुक्त इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। कौन से इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। ठीक है, और किसी भी चालक में जब धारा का प्रवाह होता है तो इन मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण ही होता है। तो क्वेश्चन ऐसा भी कभी कभी पूछ लिया जाता है, किसी चालक में धारा का प्रवाह खाली स्थान के कारण होता है, तो आपका क्या आंसर रहने वाला है? आपका आंसर रहने वाला है मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण। ठीक है, तो ये चालक है तो इस चालक में इलेक्ट्रॉन भी होंगे, और ये जो आपके इलेक्ट्रॉन हैं, ये इलेक्ट्रॉन आपके कौन से इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं? ये कहलाते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन। अब दोस्तों, मैंने क्या किया है, इस चालक जो है, इस चालक में मैंने कोई भी बैटरी या कोई भी सेल नहीं लगाया, कोई भी बैटरी या कोई भी सेल नहीं लगाया। तो जब मैं इस चालक में कोई भी बैटरी या कोई भी सेल नहीं लगाऊंगा तो ये जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो स्वतंत्र होंगे, इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो स्वतंत्र अवस्था में होंगे, वो स्वतंत्र हैं। अब ये स्वतंत्र हैं तो ये जो इलेक्ट्रॉन हैं किसी भी प्रकार की गति करते रहेंगे। ठीक है, जैसे मान के चलो ये इलेक्ट्रॉन इधर की ओर गति कर रहा है ना, तो हो सकता है इसका जो ये वाला इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ की ओर गति कर रहा हो, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ की गति ओर कर रहा हो, ये यहाँ की, मतलब ये। तो अगर हम विद्युत धारा का प्रवाह इनमें नहीं करेंगे तो ये जो इलेक्ट्रॉन हैं वो टेढ़ी मेढ़ी गति करते रहेंगे, टेढ़ी मेढ़ी गति करते रहेंगे, जिसको हम जिगजैग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जिगजैग गति बोलते हैं। ठीक है, तो विद्युत धारा की अनुपस्थिति में किसी भी चालक में जो इलेक्ट्रॉन की गति होती है वो कौन सी गति होती है? टेढ़ी मेढ़ी, या कौन सी गति? जिगजैग गति होती है। तो आप ध्यान रखोगे, क्या ध्यान रखोगे, यदि किसी चालक में धारा का प्रवाह नहीं हो रहा है तो उस चालक के जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं वो मुक्त इलेक्ट्रॉन टेढ़ी मेढ़ी गति करते रहते हैं, टेढ़ी मेढ़ी गति करते रहते हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर जो टेढ़ी मेढ़ी गति होती है, यहाँ से एक बात मैं यहाँ कहूँ, यदि इस टेढ़ी मेढ़ी गति से अगर मैं इन इलेक्ट्रॉन्स का औसत वेग निकालूँ, एवरेज, जो एवरेज वेग है वो निकालूँ, तो वो वेग जो है ना, यहाँ पर कितना आने वाला है? शून्य आने वाला है। क्यों आने वाला है? क्योंकि यहाँ जो गति है वो टेढ़ी मेढ़ी है। यदि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ को ओर जा रहा है तो एक इलेक्ट्रॉन निश्चित है कि वो यहाँ की ओर जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन सामने जा रहा है तो निश्चित बात है एक इलेक्ट्रॉन पीछे जाएगा। तो जो इलेक्ट्रॉन यहाँ जा रहा है और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ जा रहा है तो ये एक दूसरे की गति को क्या कर देंगे? निरस्त कर देंगे, निरस्त कर देंगे। इसलिए इनका जो औसत वेग होता है वो क्या निकलता है? शून्य निकलता है। क्या निकलता है?
शून्य निकलता है, समझ गए ना। तो इतना आप क्लियर हो गया, अगर किसी चालक में धारा का प्रवाह नहीं हो रहा होता है तो उसके जो इलेक्ट्रॉन है टेढ़ी मेढ़ी गति करते हैं, उन इलेक्ट्रॉन का जो औसत वेग आता है वो कितना आता है, शून्य आता है। लेकिन दोस्तों क्या होता है, यदि मैं किसी चालक में, ये मेरे पास एक चालक है, मैं यहाँ पर पूरा चालक यहाँ पर बना लेता हूँ, मैंने यहाँ पर एक ये पूरा चालक बना लिया है, ठीक है। यदि इस चालक में मैं क्या कर दूँ, बैटरी को जोड़ दूँ, किसको जोड़ दूँ, बैटरी को जोड़ दूँ, और बैटरी के द्वारा मैं क्या करने लगूँ, इस चालक में धारा का प्रवाह करने लगूँ, तो यहाँ पर ये पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव, तो यहाँ पर ये आपका कौन सा साइन आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा नेगेटिव, मतलब इसके अंदर एक क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा जिसे हम बोलेंगे विद्युत क्षेत्र, क्योंकि इस चालक में पहले धारा का प्रवाह नहीं हो रहा था, अब हमने बैटरी लगा दिया और बैटरी के द्वारा हम इस चालक में धारा का प्रवाह करने लगे, मतलब इस जो चालक है, इस चालक के चारों ओर क्या उत्पन्न हो गया, एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो गया। तो अब क्या होगा, देखो इसमें कौन है, इलेक्ट्रॉन है, इसमें कौन है, इलेक्ट्रॉन है, ये जो आपके जो बैठे हैं इसके अंदर, चालक के अंदर कौन बैठे हैं, इलेक्ट्रॉन बैठे हैं। तो देखो अभी पहले जब धारा का प्रवाह नहीं हो रहा था तब तो ये इलेक्ट्रॉन एक टेढ़ी मेढ़ी झिकझैक गति कर रहे थे, लेकिन जैसे ही ये जो इलेक्ट्रॉन है इसमें धारा का प्रवाह हुआ तो इलेक्ट्रॉन्स को पता चल गया कि अरे यहाँ भाई प्लस आ गया, मतलब यहाँ तो प्लस आ गया और यहाँ पर क्या आ गया, माइनस आया। तो आपको पता है जो इलेक्ट्रॉन होता है उन पर माइनस होता है, और ये जो माइनस जो चार्ज होता है वो प्लस वाले चार्ज से मोहब्बत करता है, प्यार करता है। तो मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ की ओर जाने लगेंगे, पॉजिटिव चार्ज जो है उस पॉजिटिव चार्ज की ओर जाने लगेंगे, मतलब इन इलेक्ट्रॉन की फिर एक निश्चित गति हो जाएगी, जो कहाँ की ओर होगी, प्लस चार्ज की ओर होगी। पहले तो कोई गति नहीं थी, लेकिन धारा का प्रवाह होने लगा, तो धारा का प्रवाह जैसे ही हुआ तो इन इलेक्ट्रॉन की एक निश्चित गति हो गई, निश्चित गति हो गई, और इस निश्चित औसत जो गति है, इस निश्चित गति को ही हम क्या बोलते हैं, अनुगमन वेग बोलते हैं, अनुगमन वेग बोलते हैं, ठीक है। और ये जो निश्चित, आपको पता है जब जैसे मैंने इसमें बैटरी लगाई तो इसमें धारा का प्रवाह जो है, धारा का प्रवाह इस क्षेत्र में हो रहा है, धारा का प्रवाह इस क्षेत्र में हो रहा है, और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किस क्षेत्र में गति कर रहे हैं, वो इलेक्ट्रॉन इस क्षेत्र में गति कर रहे हैं। आपको वैसे भी पता है धारा का प्रवाह इलेक्ट्रॉन प्रवाह के विपरीत होता है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है एक निश्चित औसत वेग से गति करने लगे, और इस निश्चित औसत वेग को ही हम क्या बोलते हैं दोस्तों, अनुगमन वेग। आई होप आप समझ गए होगे, आई होप कि आप ये समझ गए होगे कि अनुगमन वेग क्या है, ठीक है। तो आप एक बार इसकी परिभाषा अपनी कॉपी में लिख लो, किसी चालक में इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में, मतलब विद्युत धारा जब हमने उत्पन्न इसमें प्रवाहित की तो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो गया, वही विद्युत धारा मतलब विद्युत क्षेत्र है ना। तो किसी चालक में इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में एक नियत मतलब निश्चित औसत वेग से गति करने लगते हैं, इस नियत निश्चित औसत वेग को ही अनुगमन वेग कहते हैं, ठीक है, अनुगमन वेग कहते हैं। और इसे हम किससे व्यक्त करते हैं, भीड़ी से व्यक्त करते हैं, किससे व्यक्त करते हैं, इसको हम किससे व्यक्त करते हैं भाई साहब, भीड़ी से व्यक्त करते हैं, ठीक है, कैपिटल भी और स्मॉल डी जो है इससे हम इसको व्यक्त करते हैं। और एक बात और याद रखना कि जो अनुगमन वेग है इसका जो मान होता है वो होता है 10^-4 मीटर पर सेकेंड, मतलब 1 सेकंड में 10^-4 मीटर चलता है, कौन, अनुगमन वेग से जो इलेक्ट्रॉन है, इन इलेक्ट्रॉन की जो गति होती है वो कितनी होती है, 10^-4 मीटर पर सेकंड। आई होप आप समझ गए होगे, कोई दिक्कत नहीं है। और एक लाइन और लिखो, किसी चालक में विद्युत धारा का प्रवाह अनुगमन वेग के कैसा होता है, अनुगमन वेग के कारण ही होता है। अगर ये बताओ इलेक्ट्रॉन गति ना करते तो इसमें धारा का प्रवाह होता क्या,
बोलो होता क्या? बिल्कुल नहीं होता। किसी भी चालक में धारा का प्रवाह होता है तो वो इलेक्ट्रॉन के कारण होता है, और इलेक्ट्रॉन जो चलते हैं वो किस वेग से चलते हैं? अनुगमन वेग से चलते हैं। तो आज के बाद कोई क्वेश्चन उठाए कि क्या, कैसा क्वेश्चन अगर पूछे कोई कि इलेक्ट्रॉनों का वेग कौन सा वेग कहलाता है, तो इलेक्ट्रॉनों का वेग अनुगमन वेग कहलाता है, और ये अनुगमन वेग विद्युत धारा के विपरीत दिशा में होता है, ये ध्यान रखना। विद्युत धारा इस दिशा में प्लस से माइनस की ओर जा रही है, और ये जो अनुगमन वेग है माइनस से प्लस, मतलब विद्युत धारा के कैसा होता है, विपरीत दिशा में होता है अनुगमन वेग, जिसे हम VD से व्यक्त करते हैं। आई होप आप समझ गए होगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। इतना आप समझ गए हो तो अब जो है ना अगला हम संबंध स्थापित करते हैं, जो कि हमारा संबंध है विद्युत धारा और अनुगमन वेग में संबंध, तो देखते हैं इसे। तो दोस्तों हम अब क्या कर रहे हैं कि जो आपका विद्युत धारा है, इस विद्युत धारा और जो अनुगमन वेग है इसमें संबंध स्थापित कर रहे हैं। विद्युत धारा हमारा पता है I होता है, और अनुगमन हमारा वेग होता है VD, और अनुगमन वेग इलेक्ट्रॉनों का वेग होता है, इलेक्ट्रॉनों का निश्चित नियत जो वेग होता है उसे हम अनुगमन वेग बोलते हैं। तो इस I और VD में संबंध हम स्थापित कर रहे हैं, मतलब इन दोनों का हम रिश्ता करा रहे हैं, ठीक है, इन दोनों का हम क्या करा रहे हैं, रिश्ता करा रहे हैं। तो इस रिश्ता के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ खेल खेलना पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों आपस में रिश्ता ऐसे ही नहीं कर सकते, ठीक है, इनके लिए हमें क्या करना, कुछ रचना रचनी पड़ेगी, ठीक है। तो वो रचना हमने क्या रची, इसको देखो, मान लिया दोस्तों हमारे पास एक कोई चालक है, मान लिया हमारे पास ये कोई चालक है, ठीक है, कोई चालक है, ठीक है। इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल मतलब इसकी जो मोटाई है वो मोटाई, मोटाई को हम क्या बोलते हैं, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। जैसे इस मार्कर की मोटाई ये है, तो ये मार्कर का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, मोटाई को बोलते हैं, ठीक है। तो मान लिया हमने इस चालक का जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है वो क्या है, ए है, क्या है, ए है, ठीक है। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल मतलब मोटाई, मोटाई ये भी है तो इसको भी ये मान सकते हैं, बाकी हम यहाँ पर ए बना दे रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है, ये ए मोटाई हो गई। और मान लिया ये जो मोटाई है, मोटाई अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, जिसको हमने क्या मान लिया, ए मान लिया, ठीक है। अब आगे हम थोड़ी सी और रचना रचेंगे, और हम ये मानेंगे कि जो आपका जो चालक है, ये जो आपका चालक है, इस चालक के एकांक आयतन में, एकांक आयतन में मतलब एक मीटर क्यू आयतन में, एक मीटर क्यू आयतन में, एकांक आयतन का मतलब एक मीटर क्यू आयतन में। अभी चालक हो सकता है 10 मीटर का हो, 20 मीटर का हो, 50 मीटर का हो, 100 का, अब हमें नहीं पता, तो हम एक से निकालेंगे। हम मान लेते हैं एक मीटर क्यू आयतन में, एक मीटर क्यू आयतन से हम इस पे जो है ना VD और I में संबंध स्थापित करेंगे। तो हम ये मान रहे हैं कि माना इस चालक के एकांक आयतन, एकांक आयतन मतलब एक मीटर क्यू आयतन, ठीक है। तो एकांक आयतन मान लेते हैं यहाँ से कहाँ तक है, यहाँ तक है, ठीक है, एकांक आयतन मान लेते हैं यहाँ से कहाँ तक है, ये यहाँ तक है, ठीक है। ये जो आपका आयतन है ये आपका एकांक आयतन है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। चलो तो मान लिया एकांक आयतन में इस चालक के इलेक्ट्रॉन की संख्या n है, तो भाई साहब इलेक्ट्रॉन तो इस चालक में होंगे, चालक है तो इलेक्ट्रॉन तो होंगे। तो हमने क्या माना है, हमने माना कि एकांक आयतन में यहाँ से यहाँ तक एक मीटर क्यू आयतन में मान लिया इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है, n है, क्या है, n है, इतना माना, कोई दिक्कत। यदि इलेक्ट्रॉनों का, अब देखो इलेक्ट्रॉन की संख्या है तो उसका वेग होगा, और वेग कौन सा वेग होगा, अनुगमन वेग होगा। तो जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर, जो इलेक्ट्रॉन उपस्थित होंगे उन इलेक्ट्रॉन का कुछ ना कुछ वेग होगा, तो वो वेग मान लिया क्या है, VD, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का वेग होता है अनुगमन वेग। तो मैंने बोला है यदि इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग क्या है, VD है, क्या है, VD है। तो मैं दोस्तों अब क्या करूंगा, ये जो इलेक्ट्रॉन है वो गति करेंगे, गति करेंगे तो कुछ दूरी कवर करेंगे, कुछ दूरी कवर करेंगे। तो मैं क्या कर रहा हूं दोस्तों, ये जो इलेक्ट्रॉन है इनकी दूरी निकाल रहा हूं, क्या निकाल रहा हूं, दूरी निकाल रहा हूं। तो एक बात आपने दोस्तों समझी होगी, पढ़ा होगा कि जो चाल है, इस चाल बराबर क्या होता है, चाल का बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय, दूरी बटे क्या होता है, समय होता है, ये पता है। तो यदि मैं इस दूरी का सूत्र बनाऊं तो दूरी का सूत्र क्या बन जाएगा, दूरी का ये इधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा चाल इंटू समय, चाल इंटू समय, एक सेकंड, चाल इंटू क्या हो जाएगा, समय हो जाएगा, चाल इंटू समय मतलब दूरी बराबर क्या हो गया, चाल इंटू समय, चाल मतलब वेग होता है, क्या होता है, वेग।
तो मैं यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ तब टी समय में, टी समय में इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन द्वारा तय की गई दूरी। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ, जो आपके इलेक्ट्रॉन है गति कर रहे होंगे तो मैं वो दूरी निकाल रहा हूँ। क्या निकाल रहा हूँ, दूरी। ठीक है, कितने समय में, टी सेकंड में। तो दूरी का सूत्र क्या होता है, बेग इंटू समय, मतलब चाल इंटू समय, मतलब बेग इंटू समय। दूरी बराबर क्या हो जाएगा, बेग इंटू क्या हो जाएगा, समय, बेग इंटू समय। अब यहाँ बेग कौन सा होगा, इलेक्ट्रॉन का बेग कौन सा होता है, अनुगमन बेग। तो यहाँ बेग की जगह कौन सा बेग आएगा, बेग की जगह आपका जाएगा अनुगमन बेग। या पूरा लिख लेना, मैंने शॉर्ट में लिख दिया अनुगमन बेग। ठीक है ना, चलो। तो अनुगमन बेग कितना है आपका, वी डी है। क्या है, वी डी है। ठीक है, समय आपका क्या है, टी समय में देख रहे हैं। ठीक है, तो इनटू में आपका क्या जाएगा, टी आ जाएगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन द्वारा तय की गई दूरी क्या हो गई आपकी, दूरी तय की गई दूरी क्या हो गई, वी डी इनटू टी। इस एकांक आयतन की, जो एकांक आयतन हमने माना है, इस एकांक आयतन में जो इलेक्ट्रॉन है वो कितनी दूरी कर रहे हैं, तय, वी डी इनटू टी, है ना। तो मतलब ये यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी निकल के आई है वो कितनी निकल के आई है, वी डी इनटू टी। समझे, वी डी इनटू टी। समझे, कोई दिक्कत है। चलो अब दोस्तों अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने अभी तक क्या किया है, अभी मैंने क्या किया है, टी समय में इलेक्ट्रॉन द्वारा तय की गई दूरी निकाली है जो कि इतनी निकल के आ गई है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस टी समय में कितना इलेक्ट्रॉन द्वारा आयतन तय किया जाएगा वो निकाल रहा हूँ। ठीक है, तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर अब टी समय में, टी यहाँ लिख देना, अब टी समय में तय किया गया आयतन। अब मैं टी समय में तय किया गया क्या निकाल रहा हूँ, आयतन निकाल रहा हूँ। क्या निकाल रहा हूँ, आयतन। तो यहाँ पर थोड़ा सा समझने वाली बात है, देखो यहाँ पर आयतन, अब हमारे पास देखो आयतन केवल कितना है, ये आपके पास आयतन ये है, इधर से लेकर इधर तक का ये आयतन है। और अगर मैं इसको सीधा करके रख दूँ तो ये जो है ना कुछ इस टाइप का बन जाएगा, ये जो है ना कुछ इस टाइप का बन जाएगा। बोलो बन जाएगा कि नहीं, ये इसका आयतन निकालना है, इसका आयतन निकालना है। ठीक है, और ये क्या है आपका, बेलन। और बेलन का आयतन आपको दोस्तों पता है क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। क्लियर हो चुका है। और ये जो पाई आर स्क्वायर है, ये वाला आयतन है। क्या है, ये वाला आयतन। और इसको हमने क्या माना है, ये क्या है, मोटाई। और ये क्या है, मोटाई। और मोटाई को हमने क्या माना है, ए माना है। क्या माना है, ए। तो इसकी जगह आ गया ए। और ये क्या है, ऊंचाई। और ऊंचाई यहाँ पर ये है, ऊंचाई यहाँ पर ये है, और ऊंचाई यहाँ पर ये है। तो ये दूरी हमने क्या निकाल ली, ये वाली दूरी ये है। तो इसकी जगह पे तो आपका आ जाएगा ए, और इस एच की जगह पे आ जाएगी ये चीज़ आ जाएगी। समझ में आपको आया, तो ये अपना क्या हो जाएगा, वी डी, और ये आपका टी हो जाएगा। समझ में आपको आया, देखो मैं एक बार समझा रहा हूँ। हमें क्या करना है, टी समय में तय किया गया आयतन निकालना है। और आयतन हमें यही दिया है, केवल ये वाला दिया है। तो इसको मैंने इस टाइप से रखा, तो ये क्या बन गया, बेलन। और बेलन का आयतन क्या होता, पाई आर स्क्वायर एच। अब पाई आर स्क्वायर क्या है, ये वृत्त का आयतन, मतलब ये गोले का आयतन। और ये क्या है, वृत्त। और ये क्या, हमने ये भी देखा है कि ये मोटाई भी हमने माना, तो ये मोटाई हो गई। और मोटाई मतलब अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, इस ए है तो इसकी जगह ए। और ये एच लंबाई है, ऊंचाई है, तो यहाँ पर ये ऊंचाई ये है, तो इसकी वैल्यू हमने निकाल ली, तय की गई दूरी, मतलब ये इधर से इधर तक दूरी करेगा, ये हो गया। तो ये हो गया, ठीक है। तो आयतन टी समय तय किया गया आयतन आपका क्या निकल जाएगा, ए इंटू वी डी इंटू इंटू टी। इतना आपको समझ में आ गया। ये देखो टी समय में तय किया गया, हमने क्या निकाला है, आयतन निकाला है। क्या निकाला है, आयतन निकाला है। अब दोस्तों क्या कर रहे हैं, देखो आयतन निकल चुका है। अब यहाँ पर जो है ना इलेक्ट्रॉन्स की संख्या निकाल रहा है, जो आपका आयतन है, इस आयतन में कितने इलेक्ट्रॉन है वो निकाल रहा है। तो हमने इलेक्ट्रॉन की जो संख्या थी, वो इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या मानी थी, n मानी थी। क्या मानी थी, n मानी थी। तो हम क्या कर रहे हैं, हम लिख रहे हैं इस आयतन में, जो आपका ये आयतन है, अब यहाँ लिख देना, अब
इस आयतन में कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो आयतन आपके पास क्या है, ये तो ए डॉट बी डी डॉट टी, और इलेक्ट्रॉन की संख्या कुल हमने कितनी मानी थी, एन। तो कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या इसमें कितनी होगी, आप एन लगा देना, तो आप क्या बन जाएगा, ये एन ए बी डी टी, एन ए बी डी टी। तो इस आयतन में कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है, एन थी। तो ये आयतन था आपका ये, और इस आयतन में हमने एन से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आपके कुल इलेक्ट्रॉन्स की क्या जाएगी, संख्या जाएगी। कुल इलेक्ट्रॉन्स की क्या हो जाएगी दोस्तों, संख्या जाएगी, ठीक है। अब आगे दोस्तों मैं एक चीज़ और अपना रहा हूँ, वो एक चीज़ मेरी क्या है, उसको आप थोड़ा सा समझ लेना, थोड़ा सा समझ लेना, ठीक है। अब मान रहा हूँ, अब मैं मान रहा हूँ यदि इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश ई है, क्या मान रहा हूँ, अब यदि इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश ई है, क्या है, ई है तब क्या हो जाएगा, तो बस अनुप्रस्थ काट से गुजरने वाला कुल आवेश। देखो इलेक्ट्रॉन की संख्या आपके पास कितनी है, ये है ना, और ये जो इलेक्ट्रॉन की संख्या है यही तो अनुप्रस्थ काट से गुजरेगी, और यही अनुप्रस्थ काट से गुजरेगी, तो इसके इक्वली क्या होगा, आवेश होगा कि नहीं। तो यदि इलेक्ट्रॉन पर आवेश क्या है, ई मान लिया हमने, क्या मान लिया, ई है, तब अनुप्रस्थ काट से गुजरने वाले कुल जो आवेश होगा, ये जो आपके इलेक्ट्रॉन की संख्या है इसमें ई का गुणा कर दो, तो यही कुल आवेश हो जाएगा। तो ये हो जाएगा एन ई का मल्टीप्लाई कर दिया ई, और ये आपका ए, ठीक है, एन ई ए, और ये आपका वी डी, और ये आपका हो गया टी। ये जो है ना, ये आवेश यहाँ से गुजरेगा, ठीक है, ये आवेश यहाँ पर गुजरेगा। अब हमें बस हमारा संबंध जो है ना टोटली आ गया है, बस कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर लिख देना केवल किंतु, क्या लिख देना, किंतु आई बराबर क्या होता है, क्यू अपॉन टी होता है, आई बराबर क्या होता है, क्यू अपॉन टी होता है, ठीक है। तो बस सिंपल सी बात है, क्यू जो आवेश मतलब क्या होता है, क्यू, और क्यू का मान क्या है, ये है, ठीक है। तो ये एन ई ए वी डी, और ये आपका टी, वी डी अपॉन, और ये अपॉन में क्या है, टी, टी से टी आप कैंसिल हो जाएगा, तो आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई इज इक्वल टू हो जाएगा एन ई ए वी डी, एन ई ए वी डी, आई इज इक्वल टू क्या हो गया, एन ई ए वी डी, यही हमारा धारा और ये आपका अनुगमन वेग जो है इसमें संबंध है। तो ध्यान रखना, आप यहाँ लिख लेना, यही धारा और अनुगमन वेग में क्या है मेरे भाई, संबंध है। तो भाई ये आपका संबंध है, थोड़ा सा हमने खेल खेला है, और वो खेल आपको समझ में आ गया होगा कि हमने क्या खेला है, ठीक है। तो आई होप कि आप ये समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको थोड़ी बहुत दिक्कत है तो आप एक बार फिर से आप इसको देख सकते हो, या फिर मैं एक बार फिर से आपको समझा रहा हूँ, मैं एक संबंध और स्थापित करा दे रहा हूँ। अब दोस्तों यदि आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया गया, अब देखो ये तो उसने बोला कि विद्युत धारा और अनुगमन वेग में संबंध स्थापित करो, अब यदि आपसे कभी पूछ लिया जाए कि धारा घनत्व क्या होता है जे, तो आपसे पूछ लिया जाए धारा घनत्व और अनुगमन वेग में संबंध स्थापित करो, तो पूरी आपको फुल प्रोसेस करना पड़ेगी, और आगे आपको क्या करना पड़ेगा, बस एक धारा घनत्व का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, धारा घनत्व का फॉर्मूला लगाना है, तो धारा घनत्व जे बराबर क्या होता है, आई अपॉन ए होता है ना, और आई की वैल्यू हमने ये निकाल ली, ठीक है, तो ये जे आई की वैल्यू निकाल ली, एन ई ए, और ये आपका हो गया वी डी, और अपॉन में क्या चल रहा है, ए से ये कैंसिल हो जाएगा, तो जे बराबर क्या हो जाएगा, एन ई, और ए तो कैंसिल हो गया, और ये आपका वी डी। तो ये धारा घनत्व और अनुगमन वेग में क्या है, संबंध है, ठीक है। अब आप एक बार फिर से समझ लो, बिल्कुल मक्खन की तरह आप समझ जाओगे, ठीक है। चलो हमारा पहला क्वेश्चन क्या था, विद्युत धारा और अनुगमन वेग में संबंध स्थापित करो, यही था ना, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए खेल खेलना पड़ेगा, वो खेल हमने क्या खेला, देखो हमने क्या किया, माना कोई चालक लिया,
जिसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ए था। तो हमने ये चालक ले लिया था जिसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल मतलब मोटाई जो थी उसको हमने मान लिया था ए। क्या मान लिया था? ए मान लिया था, ठीक है। हमने थोड़ा सा और खेल खेला, माना इस चालक के एकांक। मैंने क्या किया, ये जो चालक था, इस चालक तो बड़ा था, इस बड़े चालक से हम कैसे क्या करते, तो हमने इस चालक का केवल एकांक आयतन लिया। कौन सा आयतन लिया? एकांक आयतन लिया। तो हमने क्या माना, हमने माना इस चालक के एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है, एन है, एन मान ली, ठीक है। अब एन इलेक्ट्रॉन है तो वेग भी होगा इलेक्ट्रॉनों का, तो वो वेग कौन सा होता है, अनुगमन वेग होता है। तो यदि मान लिया मैंने, यदि इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग क्या है, वी डी है, ठीक है, यही है ना, यही ना। अब जो अनुगमन वेग जो वी डी है, उस वेग से जब इलेक्ट्रॉन चलेंगे तो कुछ गति करेंगे, गति करेंगे तो कुछ दूरी होगी, कुछ दूरी आएगी। तो हमने क्या किया, तब टी समय में इलेक्ट्रॉन द्वारा तय की गई दूरी निकाला। तो दूरी का सूत्र क्या होता है, वेग इंटू समय। तो वेग हमारे पास अनुगमन वेग है, तो अनुगमन वेग इंटू समय, तो वी डी इंटू टी हो जाएगा। अनुगमन वेग वी डी, समय क्या है, टी। अब हमने क्या किया, दूरी निकाल ली, तो हमने क्या किया, अब आयतन निकाला। तो अब टी समय में इन इलेक्ट्रॉन द्वारा कितना आयतन तय किया जाएगा वो निकालेंगे, ठीक है। तो आयतन देखो, ये बेलन बना टोटल, ये आपका ये जो है ना एकांक आयतन का जो बन गया एक बेलन, और बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर क्या है, क्षेत्रफल, जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, इसकी ए रख दी, और ये एच लंबाई, और लंबाई हमने, लंबाई मतलब दूरी, दूरी हमने ये निकाल ली। कोई दिक्कत है, ये दूरी जो निकली है वो ये वाली दूरी है, तो ये दूरी निकल गई, तो ये हमारा क्या बन गया, आयतन ये बन गया। अब इस आयतन जो ये आयतन है, इस आयतन में कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है वो निकालना है। तो ये आयतन है, इस आयतन में जो आपके इलेक्ट्रॉन है उसका मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, तो ये कुल इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, है ना। अब इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश हमने क्या मान लिया, ई मान लिया। तब अनुप्रस्थ काट से गुजरने वाला कुल आवेश, कुल आवेश जो देखो इलेक्ट्रॉन की संख्या ये है, ये है, तो इतना ही आवेश तो गुजरेगा, इतना ही तो आवेश गुजरेगा। अब आवेश ई है, तो बस आवेश ई है, तो ई का मल्टीप्लाई कर दिया, इतना आवेश गुजर गया, बस धारा का सूत्र लगा दिया, क्यू का मान रख दिया, जो आवेश था इसका मान रख दिया, आई से आई, टी से टी कैंसिल कर दिया, आई और अनुगमन वेग में संबंध आ गया, मतलब धारा और अनुगमन वेग में संबंध आ गया। अब यदि आपको धारा घनत्व और अनुगमन वेग में संबंध ज्ञात करना है, तो आप धारा घनत्व का सूत्र लगा देना, इसमें संबंध आ जाएगा, सिंपल प्रोसेस है ना। पिछली वीडियो में हमने धारा घनत्व ये सब आपको, पहला जो वीडियो था बिल्कुल फुल इंट्रोडक्शन था, ये सब कुछ समझाया था। तो आई होप आप समझे होगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, ओके। तो दिल से आप वीडियो को लाइक कीजिए एक बार, अपने सभी फ्रेंड सर्कल में वीडियो शेयर कीजिए, और हमारा सपोर्ट कीजिए ताकि हम आपकी हेल्प से आगे बढ़ें। तो मिलेंगे फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।